हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, वी आर बैक विद अनदर वीडियो। तो फाइनली यार मैंटिस हो रही है बफ्ड और जेसिका जोंस भी शायद, तो चलो इसको पढ़ लेते हैं एंड देखते हैं कि क्या हो रहा है इसके अंदर चेंजेस। तो यहाँ पे इन लोग दोनों को बैलेंस किया जा रहा है, मैंटिस और जेसिका जोंस को। तो देखते हैं कि मैंटिस के अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। मैंटिस इज गेटिंग ट्यून्ड अप। जब भी आप मैंटिस से एसपी 2 दोगे ना, तो वो पूरा जो एसपी 2 रहेगा वो गारंटेड क्रिटिकल हिट से रहेगा। वो तो उसका शायद एक दो हिट का ही एसपी 2 है ना, पता नहीं, देखना पड़ेगा। अच्छा, तो मतलब ये छोटी फाइट्स के लिए डिजाइन हुई थी। और अलायंस वॉर एंड बैटल ग्राउंड, सो फार वी आर सीइंग मैंटिस टू डू क्वाइट वेल इन हर ऑप्टिकल मैचअप साइन डिफेंडर विद इनकमिंग डीबफ्स। तो मैंटिस को बनाया गया था कि छोटी फाइट्स के लिए, जैसे कि अलायंस वॉर और बैटल ग्राउंड के लिए। तो उन लोगों के लिए देखे कि मैंटिस सही, थोड़ा बहुत सही कर रही है अपने ऑप्टिमल मैचिंग के साथ, जैसे कि साइन डिफेंडर विद इनकमिंग डीबफ्स। तो जैसे कि अगर उन लोगों ने, मतलब उन लोगों को लगा था कि उसकी उन लोगों को लग रहा है कि उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम हो जा रही है, जैसे कि कॉम्प्लेक्स एनकाउंटर हैं, जैसे कि अभी तो मैं इतना यूज़ नहीं किया, तो उसके कॉम्प्लेक्स एनकाउंटर्स तो मैं अभी नहीं बता पाऊंगा। अगर आप लोग को मालूम है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। तो उसको ऐसा प्ले स्टाइल दिया जो कि बहुत हायर रिस्की है, तो मतलब ज़्यादातर नॉक हो सकते हो शायद इसके लिए, क्योंकि हाँ, क्योंकि आप वो स्लीप होगा तो आपका जो क्रिटिकल डैमेज है वो बढ़ेगा। वैसे कुछ इतना तो खास नहीं था, उसका रोटेशन बहुत ईजी था और मैंटिस में मेरे को सही लगी थी। मैंटिस का जो प्ले स्टाइल था वो ठीक लगा था, उसका अटैक वगैरह सब ठीक था। विल बी लुकिंग टू इंक्रीज हर डैमेज इन नॉन ऑप्टिमल मैचअप्स। नॉन ऑप्टिमल मैचअप्स मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने इतना यूज़ नहीं किया हूँ, तो मुझे नहीं मालूम पड़ रहा कि ये किस मैचअप के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। तो उसका डैमेज इन लोग जो है वो इंक्रीज करने वाले हैं नॉन ऑप्टिमल मैचअप्स के अगेंस्ट। तो जेसिका जोंस में कुछ भी चेंजेस नहीं आने वाली है। उन लोगों को ये लग रहा है कि ये एक बहुत तगड़ी ब्रॉलर है जो कि बहुत अच्छा काम कर रही है ऑफेंस पे और डिफेंस पे भी, और डिफेंस पे उसकी चीज़ें एबिलिटीज है जो वो बूस्ट हो चुकी हैं हायर बाय द सिनर्जीज, मतलब उसकी सिनर्जीज के साथ उसकी एबिलिटीज और भी ज़्यादा हो जाती है विद सेम नोड्स, especially in her debut into Battleground Season 5, but we are happy with the growing trend of clean sea champions and other strategies being used to counter her. तो उन लोग बहुत खुश हैं कि especially जब इसका debut हुआ था Season 5 में Battlegrounds के, तो बहुत सारे लोग ने मतलब क्लीन सी चैंपियंस को प्लेस किए थे सीजन 5 में, और अभी भी लोग स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं और उन लोगों को ये चीज़ अच्छी लग रही है कि जो ट्रेंड बढ़ रहा है क्लीन सी चैंपियंस का, उसके लिए मतलब लोग अलग अलग स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं काउंटर करने के लिए। तो बस इतना ही था। और जो मैंटिस का जो यहाँ पे देखो ट्यून अप आने वाला है, तो वो आएगा 39, मतलब जो अपडेट आएगा 39.0, वो जो मई में अपडेट आएगा उसमें। और मतलब इसका जो CPP है चालू का बीटा प्रीव्यू, मतलब पहले देखो मई में भी आएगा और जून में भी आएगा, तो ये दो बार आएगा आई थिंक, तो यहीं पे बोल रहे हैं। तो ये CPP बीटा प्रीव्यू में ये दो बार आएगी, 39 मई, मतलब जो 39.0 अपडेट आएगा मई में उसमें आएगी, और फिर 40.0 जून में जो अपडेट आएगा CPP बीटा प्रीव्यू में आएगी, और फिर 40.1 जुलाई में ये मतलब ये जो चेंजेस है वो फुल्ली रिलीज हो जाएंगे, मतलब लाइव हो जाएंगे सारे प्लेयर्स के लिए। तो ठीक है, अगर तुम लोग को ये वीडियो पसंद आएगी ना तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर तुम लोग को कुछ कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। सी इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय बाय।